भाजपा के धर्मशाला से विधायक के उम्मीदवार राकेश चौधरी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। धर्मशाला एसडीएम कार्यालय तक चामुंडा से रैली के साथ वे पहुंचे। भाजपा उम्मीदवार राकेश चौधरी ने कहा कि भाजपा पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और वे उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है, कुछ लोग नाराज जरूर हैं लेकिन वह भी मिलकर एक साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसके आधार पर वे चुनाव लड़ेंगे। अरे अभी नामांकन भरा है और मुझे कहीं विरोध दिखा नहीं है क्योंकि पूरा भाजपा का मंडल हमारे साथ है। मैंने पहले भी कई बार ये बात दोहरा दी है कि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय इस बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें चलती हैं, वो सारी बातें जो बैठ के संवाद के साथ सुलझा ली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चुनाव है और चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में देखना चाहिए, हमारे लिए चुनौती है और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो उनके विश्वास पे खरा उतरना हमारे लिए भी एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और रणनीति बना के चुनाव जो है वो फाइट किया जाएगा और जीतेंगे। देखिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है और इसी के चलते आज हम भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत बड़े मुकाम पे जहाँ पे हर एक आदमी की इच्छा होती है पहुँचना वहाँ पहुँचे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा एक लगातार लोगों के बीच संवाद रहा है, लोगों के साथ मिलना जुलना रहा है, लोगों का जो आशीर्वाद प्यार रहा है, उनके सुख दुख में हम खड़े रहे हैं। कोविड के समय इतना बड़ा ये मतलब इतनी बड़ी विश्व महामारी थी, उसमें भी मैं लोगों के साथ बीच खड़ा रहा हूँ तो वो सारे लोगों के ध्यान में है और उसी के चलते ये सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। और अरे बात सुनिए, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और मंडल हमारे साथ है और मैंने बोला है मंडल के साथ परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार और बहुत सारे मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ खड़े, मैडम रंजू सोगी जी हैं, नाग जी हैं, सचिन जी हैं, हमारे मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर जी हैं, माननीय सारे पार्षद हमारे साथ हैं, ऑल द पीपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाद मतलब कुछ नाम छूट भी सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि ऑल द पीपल, तो सारे लोग हमारे साथ हैं। होता है, मैंने ये बोला, होता है कई बार छोटी मोटी परिवार में छोटी मोटी मनमुटाव होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार को छोड़ के चले जाएं। देखिए अभी हम नॉमिनेशन फाइल किए और मुद्दे बहुत सारे धर्मशाला में अपार संभावनाएं काम की और मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं और उनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा भी होगी और उन मुद्दों को सुलझाया भी जाएगा और मुद्दों के ऊपर ही चुनाव कंटेस्ट किया जाएगा और बहुत जल्दी हम अपने यहाँ से विजन डॉक्यूमेंट भी हम विड्रॉल करेंगे, उसमें हमारे क्या मुद्दे हैं, धर्मशाला के अंदर क्या रहने वाला, क्या प्राथमिकता हमारी, वो सारा कुछ सामने आएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।